गुड मॉर्निंग बच्चों, पावन की इतिहास की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था और मनसबदारी प्रणाली। हर वर्ष इन दो जो बिंदु मैंने दिए हैं, मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था और मनसबदारी, इससे क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आ जाता है। इसलिए आपका यह समझना बहुत जरूरी है। शायद प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय थी, लेकिन नाम थोड़ा अलग थे। और रहती है मनसबदारी व्यवस्था, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। जब मनसबदारी व्यवस्था को मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आपने बड़े ध्यान से सुनना और समझना भी है। तो शुरुआत करते हैं हम प्रशासनिक प्रणाली, जैसे कि हर देश का होता है वो केंद्र से ही शुरू होता है। मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कह रहा है कि अकबर द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों के साथ आने वाली जो पीढ़ी थी, उसने भी उसे उसी तरह से जारी रखा जैसे अकबर ने किया, क्योंकि अकबर ने सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सुधार जो अपने काल में ही कर दिए थे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रही थी। तो इस प्रकार से जानकारी कहाँ से हमें मिलती है प्रशासनिक सुधारों के बारे में, या उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, वो आता है आयन अकबरी, जिसे अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, उसमें अकबर नामा आता है, इकबाल नामा आता है, पदशाह नामा आता है, बहादुर शाह नामा आता है, तुझके जहांगीरी आती है। और इसके अतिरिक्त विदेशी भी पर्यटक जो आए, जिसमें थॉमस रो और हॉकिंस जो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज आए, और फ्रांसिस बर्नियर जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में भी जो है अकबर के शासनकाल में या मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा। तो यहाँ से जानकारी हमें जो है मिलती है। अब करते हैं केंद्र से शुरू। जैसे कि आज भारतवर्ष की बात करते हैं, तो केंद्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे उच्चतम शिखर पर आता है, वो आता है राष्ट्रपति, और उसके पश्चात प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद उसके मंत्री परिषद। तो वैसे ही उस समय क्या था कि बादशाह सबसे बड़ा अधिकारी होता था, बादशाह, और ये संपूर्ण मुगल प्रशासन की धुरी होता था। धुरी का मतलब हुआ कि केंद्र बिंदु होना, और चारों तरफ जो प्रशासन है उसकी धुरी के ऊपर ही ये घूमता था। मेन जो है बादशाह होता था। कैसा कि ये सेना का प्रमुख होता था, मुख्य कार्यपालक भी यही होता था, और मुख्य न्यायाधीश भी यही होता था। आज के भारत में अगर देखा जाए तो मुख्य कार्यपालक जो है वो संसद होती है, संसद में कानून बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश इसकी व्यवस्था अलग से, सुप्रीम कोर्ट अलग से बनता है, मुख्य सेनापति ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेना के प्रति इस प्रकार से अलग अलग। लेकिन यहाँ पर जब हम मुगलों की बात करते हैं तो बादशाह के पास ही ये सारी शक्तियाँ होती थी। तो इस प्रकार से बादशाह के कार्य क्या होते थे, सिंहासन पर बैठना और सजा सुनाना, किसी को माफ़ कर देना, जैसे कि जो है अंतिम जो निर्णय होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ी कर सकता था। यहाँ पर बादशाह भी उसी प्रकार से, बादशाह उसको सजा भी सुना सकता है, उसे माफ़ी कर सकता था। अपने नाम के सिक्के चलाना, झरोखा दर्शन देना, ये झरोखा दर्शन के बारे में भी कई बार पूछा। झरोखा दर्शन क्या होता था कि हर सुबह राजा जो है वो अपने महल से बाहर आकर लोगों को अपना शकल दिखाता, तो उसे कहा जाता था झरोखा दर्शन। और ये क्योंकि महलों में झरोखे होते थे तो इसलिए झरोखा दर्शन हो गया, वहाँ से वो दिख जाते थे। क्योंकि लोग एक तो अपने बादशाह को तो भगवान समान मानते थे, एक व्यवस्था ये थी, और दूसरा ये भी होता था कि उन्हें ये रहता था कि अगर राजा के दर्शन हो गए तो इसका मतलब राजा जो है वो जीवित है, सही सलामत है। तो इस प्रकार से तो मान लेते थे कि कोई गड़बड़ नहीं है, प्रशासनिक सही व्यवस्था चली है। तो इस प्रकार से झरोखा दर्शन देने का ये व्यवस्था थी। पूछा जा सकता है कि झरोखा दर्शन क्या है। फिर उपाधियाँ देना, जिस प्रकार से जो उपाधियाँ जो जहांगीर है या शाहजहां, सारी उपाधियाँ, नाम की जो उपाधियाँ उनके नाम कुछ और थे, या बीबी कहना, सॉरी, जैसे कि उनको जो उपाधियाँ दी थी, नूर जहां दिया गया, मुमताज महल दिया गया, ये सारी उपाधियाँ थी। तो ये उपाधियाँ देने का कार्य भी कौन करता है, राजा। और माना जाता है कई लोग जो है पैसा देकर भी उपाधियों को उस समय खरीदते थे, इतनी इंपॉर्टेंस होती थी ये। वैसे ही जैसे आजकल अगर कोई लोग वीआईपी नंबर भी लेते हैं, 50-50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं और फिर नंबर लेते हैं 0000 करके, तो वैसे ही उपाधियाँ लिया जाती थी उस समय भी। फिर इसके अलावा क्या कार्य क्या है कि शाही आदेशों पर मोहर लगाना, कि तभी वो कानून होगा। शाही आदेश तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक उसके ऊपर मोहर किसकी ना हो, बादशाह की ना हो। जैसे कि आज भी होता है कि दोनों सदनों द्वारा पारित किया हुआ कानून तब तक कानून नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाएंगे, अपने साइन नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से बादशाह के इसके ऊपर मोहर लगती थी। इसके अलावा और आता है दीवाने आम और दीवाने खास, इसके बारे में भी जानना होगा आपको। दीवाने आम होता था जहाँ पर आम लोग होते थे, जिस दरबार में आम लोग आते थे, उनकी उपस्थिति होती थी, दरबार खुला लगता था, तो वहाँ पर लोगों को जो उनकी शिकायतें होती थी वो सुनी जाती थी, उनका निवारण किया जाता, उसे कहा जाता दीवाने आम। और दीवाने खास क्या होता था, दीवाने खास वो जगह होती थी जो राजा का अपना निजी दरबार होता था, जहाँ पर वो और उसके मंत्री होते थे, या कई बार रानियाँ भी बैठती थी, उस प्रकार से वहाँ पर निजित्व होता था। और वहाँ पर जो पूरे किसी भी प्रकार के, चाहे वो अपने राजमहल से संबंधित हो या फिर अपने राज्य से संबंधित जो मुख्य बातें होती है, मंत्रियों से संबंधित, उन बातों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता था। तो ये बात करी हमने बादशाह के संदर्भ में। बादशाह के बाद जो है आती है दूसरा कौन अधिकारी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
अकबर के शासनकाल से पहले मतलब बाबर हुमायूं के शासन के समय में एक पद हुआ करता था जो बादशाह के बाद आता था, और वो होता था वजीर का पद। लेकिन अकबर ने इस वजीर के पद को जो खत्म कर दिया और इसकी जगह उसने वकील जो है नियुक्त किया। तो यहाँ पर हम वजीर सिर्फ पढ़ रहे हैं कि वजीर कहाँ आता था, बाबर के शासनकाल में, और वो मुख्यमंत्री भी वही होता था, उसके पश्चात जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो वजीर का राज्य जो है सॉरी प्रधानमंत्री और इसका मुख्य परामर्शदाता के तौर पर ये कार्य करता था। लेकिन अब बादशाह हम करें अकबर के शासनकाल के समय में ही ज़्यादा कर बात करेंगे, तो दूसरा जो अधिकारी आता था वो आता था वकील। तो यहाँ आपने वकील लिख सकते हैं, बादशाह के बाद सीधा आप वकील जो है ले सकते हैं। वकील क्या होता था, वो शासन कार्यों में जो संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में होता था। वो राज्य का प्रधानमंत्री होता था और परामर्शदाता भी होता था। ये अलग बात है कि परामर्श को मानना या ना मानना वो राजा के हाथ में, बादशाह के हाथ में होता है। अकबर के शासनकाल में बैरम खान जो उसके संरक्षक थे वो उसके वकील हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि माना जाता है कि बैरम खान ने इस पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने उसे उसे हटा दिया और उसे माना जाता है उसे कत्ल भी करवा दिया था, मरवा भी डाला था। और उसके पश्चात जो जिन्हें बनाया गया तो थे मुनर्रम खान, और ये नाम मात्र के ही वकील नियुक्त किए गए क्योंकि उनमें योग्यता नहीं थी। तो ये पद आया दूसरा पद बादशाह के बाद इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरा जो पद आता है मीर बख्शी नंबर मैंने, क्योंकि वो पहला जो नंबर आ गया तो वजीर का आ गया था बाबर के शासनकाल में, तो वजीर नहीं है वकील है। अब आता है मीर बख्शी जो तीसरे स्थान पर आते हैं। ये सेना विभाग के मुखिया थे। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने कि कौन कौन किस विभाग का मुखिया था। मीर बख्शी सेना विभाग का मुखिया, जो आज के डेट में गृह मंत्री होते हैं। मीर बख्शी द्वारा जो हस्ताक्षर किया जाना और हस्ताक्षर के बाद सेना को जो है वो वेतन दिया जाना, ये कार्य मुख्यतः मीर बख्शी का होता है। इसके अलावा भी सैनिकों की नियुक्तियाँ करना, उनके वेतन, उनके प्रशिक्षण, अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना, जिम्मेदारी घोड़ों की दागने की व्यवस्था किया जाना और मनसबदारों पर नियंत्रण रखना, ये सारे कार्य जो है वो मीर बख्शी के होते हैं। यह आसान है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर आता है सिर्फ नाम आपको वो याद रखना है और उसका कि विभाग क्या है, कार्य क्या है। दीवाने आला नाम से ही पता लग जाता है। दीवाने आला जो है वो क्या क्यों विभाग, इसके बाद राजस्व और वित्तीय विभाग। अभी अभी जो हमारे राजस्व और वित्तीय विभाग जिनके पास था अरुण जेटली जी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये विभाग आज भी उसी तरह से सिर्फ नाम बदले गए हैं, और इनका कार्य क्या होता है कि जो पूरे साम्राज्य है उसकी आय का और व्यय का हिसाब रखना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। यहाँ पर बताए गए हैं कुछ एक नाम जिसमें हिंदू नाम भी आता है, जिसमें राजा टोडरमाला आते हैं, ये भी इसी पद पर बने रहे थे दीवाने आला के पद पर। और माना जाता है कि लगभग 23 वर्षों तक ये तीन लोगों ने जो है जो नाम मैंने दिया गया है, मुजफ्फर खान है, टोडरमल है या ख्वाजा शाह मंसूर है, इन्होंने 23 वर्ष तक जो है दीवाने आला पद पर अकबर के शासनकाल में शासन किया। उसके बाद आता है कि इनकी ये जो प्रांतों में सूबे सूबों में जो दीवान होते हैं इन्हें कहा जाता है दीवाने आला। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर आता है, वहाँ कहा जाता है दीवाने आला, नाम अलग है। लेकिन जब दीवान नियुक्त किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, राज्य सरकारों में, राज्य सरकार जैसे आज के डेट में हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, तो क्योंकि उस प्रकार वहाँ पर भी सूबों में, वहाँ उस समय नहीं कहा जाता था राज्य, उसमें कहा जाता था सूबे। तो सूबे में दीवानों को नियुक्त किया जाता और उसका काम भी वैसा ही होता जैसे दीवाने आला का होता था। ये अलग चीज़ है कि एक जगह वो राज्य में कर रहा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहा है। दीवाने आला के पश्चात जो अधिकारी आता था उसका नाम है अब सदर उस्सुदूर। ये धार्मिक जितना भी कार्य होते धार्मिक मामले उनका विभाग का ये मुखिया होता था, नाम है सदर उस्सुदूर। यही याद रखना है कि नाम क्या था और वो किस विभाग का मुखिया था। जब आपको पता लग जाएगा कि अगर धार्मिक कार्य का, तो धार्मिक कार्य क्या क्या होते हैं, धार्मिक कार्य जैसे कि दान देना, उसका हिसाब रखना, ऐसी भूमि जिसको जो है वो दान की गई है किस प्रकार की भूमि उसका लेखा जोखा रखना, या फिर जो है किसी व्यवस्था में किसी चीज़ को जो दान देना, ये सारे कार्य जो है वो उस समय किसके होते थे, सदर उस सदूर के होते थे। फिर आगे बात करते हैं, इसके बाद का जो अधिकारी आता है वो है काजी उल कुजात। काजी से ही पता लगता है, काजी का मतलब है न्याय करना। तो ये न्याय विभाग का मुखिया होता था और इसका कार्य क्या होता है, प्रांत, जिला और जो नगर होते थे, परगने होते थे, वहाँ पर काजियों की नियुक्ति, अपने से छोटे जो काजी होते थे उनकी नियुक्तियाँ करना। जिस प्रकार से अभी हमने पीछे जो है पढ़ा था कि जो मीर बख्शी होता है वो आगे के जो प्रांतों में वहाँ पर जो है वो या राजा को सलाह दे सकता था कि क्या क्या जो है उसको नियुक्ति किस किस को दी जाती, ठीक है। उस प्रकार से काजी उल कुजात का कार्य क्या होता कि प्रांतों में भी जो काजी नियुक्त किए जाएंगे, काजी उल कुजात जो सेंटर में है, काजी नियुक्त किए जाएंगे प्रांतों में या जिलों में, नगरों में, तो वो उसकी सलाह भी काजी उल कुजात जो है देगा। लेकिन कार्य मुख्यतः कार्य क्या है वो है, वो है न्याय देना। माना जाता है कि जब कभी राजा दरबार में नहीं होते हैं किसी वजह के, हो सकता है बीमार हो गया, हो सकता है कहीं गया है, तो उस व्यवस्था में काजी उल कुजात जो है वो न्याय देता था, ये इसका कार्य था। काजी उल कुजात के बाद आता है खान ए समा। खान
खाने समा का मुख्य जो विभाग होता था वो घरेलू विभाग होता था। मतलब महल में किस आदमी को, किस राजकुमार को क्या जरूरत है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आज कितने जो नौकर हैं, कितना क्या है या भंडार कितना है, भोज, ये सारी व्यवस्था। इसके अलावा जो कारखाने स्थापित होते जिसमें चीज़ें बनती थी, सह जो जितने भी मुगलई जो परिवार होता था उनके लिए जो कारखाने स्थापित होते वहाँ का हिसाब किताब रखने, ये सारा जो काम होता था ये खाने समा करता था। इसके पश्चात जो और भी अन्य जो अधिकारी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, उसमें आता दरोगा ए डाक चौकी। नाम से ही पता लग जाता है कि जो गुप्तचर विभाग था, डाक चौकियाँ बनती थी, उनका ये मुखिया हुआ करता था और यह राज्य की हर सूचना बादशाह को पहुंचाता था। 10वें नंबर का आता मीर ए आतिश या दरोगा ए तोफखाना। इस विभाग का जो आयुष का जो मंत्री नियुक्त किया गया था वो तब किया गया जब भारतवर्ष में बाबर के द्वारा तोफखाने का इस्तेमाल किया गया था, तो ये मंत्री भी नियुक्त किया गया अलग से कि जिसके बंदूकों का हिसाब रखना और तोफखानों का हिसाब रखना ये उसका कार्य होता था। फिर एक और आता है मीर ए बहार, ये समुद्री विभाग का मुखिया, क्योंकि समय आते आते जो है मुगल साम्राज्य बढ़ता चला गया और ये इसकी सीमाएं समुद्र के साथ भी लगने लगी, तो इस प्रकार से इस विभाग का भी मंत्री बनाया गया। तो ये सारे के सारे जो थे ये पढ़े हमने केंद्र सरकार के अधीन मंत्रियों को बादशाह के बाद। अब करेंगे प्रांतीय व्यवस्था में। प्रांत नहीं कहा जाता था, याद रखना आपको प्रांत नहीं बोलना, आपने कहा है सूबा। तो सूबों के बारे में माना जाता है कि 1580 ईस्वी में अकबर के ने जो है 12 सूबे में अपने साम्राज्य को विभाजित किया था, लेकिन अकबर ने लगातार विजय हासिल करी। और माना जाता है कि जब अकबर जो है वो डेथ हुई तो उस समय उनके जो सूबे थे वो 15 थे, 3 बढ़ गए थे। उसके पश्चात उनके बेटे आए जहांगीर, तो जहांगीर ने और 2 सूबों को बढ़ाया और संख्या हो गई अब 17। फिर जहांगीर के बाद जो है उनके बच्चे आए शाहजहां, उन्होंने और 1 सूबा बढ़ाया और बन गए 18। फिर उसके पश्चात जो है उनके बेटे आए औरंगजेब, इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ और बढ़े ये और इन्होंने अब 18 से कर दिए 20। लेकिन माना जाता है दक्षिण भारत की तरफ जाने पर इन्होंने जैसे बीजापुर गोलकुंडा को जीता तो 21, कुल 1707 ईस्वी में जो सूबे थे उनकी संख्या थी 21। तो मोटे तौर पर आपने याद रखना है कि औरंगजेब के शासन अकबर के शासनकाल में थे कुल मिलाकर 15, फिर जहांगीर के शासनकाल में हो गए 17, फिर शाहजहां के 18 और फिर औरंगजेब के शासनकाल में हो गए 21। अब इन प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, सूबों की व्यवस्था क्या थी। सूबों का जो मुखिया होता था वो सूबेदार होता था। और आपने याद रखना कि जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करी बादशाह की, उससे थोड़ा सा हट के कार्य है वो उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है कि इसको असीम शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन हाँ अपने राज्य के अंदर ये एक छोटा मोटा बादशाह होता था। इसका कार्य क्या होता था कि सूबे में शांति व्यवस्था कायम करना और सम्राट के आदेशों का पालन करना और उन आदेशों को लागू भी करवाना और राज्य करो और वसूली में भी सहायता करना, कर इकट्ठा करना, उस वसूली में भी सहायता करना। इसके अलावा इसके अधीन बहुत सारे अधिकारी होते थे जिसके नाम जो नीचे दिए गए हैं, इनके नाम आगे भी आएंगे। तो सूबेदार याद रखना, सूबे में सबसे बड़ा अधिकारी होता था सूबेदार। दूसरा जो अधिकारी होता था वो होता था दीवान। दीवान का कार्य क्या होता था, ये गवर्नर के अधीन ना होकर सीधे शाही दीवान के प्रति वफादार होता था और शाही दीवान के अनुरोध पर ही प्रांतीय दीवान की नियुक्ति की जाती थी। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही सीधा संबंध होता था, राज्य का जो सूबेदार है उसके ऊपर इसकी पकड़ नहीं होती थी, ये स्वतंत्र था उसके प्रभार से। इसका मतलब क्या था कि इन दोनों का कार्य, सूबेदार दीवान का कार्य होता था एक दूसरे के ऊपर नजर रखना। इससे क्या हुआ कि एक दूसरे से प्रतिद्वंदी बनाया गया, यहाँ लिखा भी है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, ये एक दूसरे के ऊपर नजर बनाए रखते। इससे क्या हुआ फायदा कि सूबे में कोई जो है या राज्य में कोई बड़ा ना हो जाए, सूबेदार ही बड़ा ना हो जाए और कहीं विद्रोह न कर दे, इसलिए अकबर ने इस व्यवस्था को किया हुआ था कि प्रतिद्वंदी के तौर पर दीवान को वहां पर लगा दिया गया था। दीवान के मुख्य कार्य क्या थे, राजस्व एकत्रित करना या बही खाता लगाना, लेखा जोखा तैयार करना, इसके अलावा दान की भूमिका उसका हिसाब करना, प्रांत के अधिकारियों का वेतन निर्धारित करना और बांटना, ये इसके कार्य हुआ करते थे। फिर आता है 4वें नंबर का, वो आता है बख्शी। अब मीर बख्शी नहीं आता, अब बख्शी आ गया उसका नाम। प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति जो है वो शाही मीर बख्शी के द्वारा जो की जाती थी और उसका मुख्य कार्य क्या होता था, वो होता था सैनिकों की भर्ती करना, सैनिक टुकड़ियों को अनुशासित करना, घोड़ों को दागना की प्रथा लागू करना, ये सारे कार्य जैसे मीर बख्शी के सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं उसी प्रकार के बख्शी के होते थे सूबे में। फिर आगे पढ़ते हैं, बख्शी के बाद जो है 4वें नंबर के बाद आता है स्थान, वो है सदर ए काजी। सदर ए काजी, काजी का मतलब न्याय संबंधी। तो यहाँ पर प्रांतों में जो या सूबे में जो है उसे कहा जाता सदर ए काजी। तो ये सदर ए काजी, इसकी नियुक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुख्य काजी होता था उसके सलाह से बादशाह द्वारा की जाती थी। और इसका कार्य क्या होता था, वो होता था खुफिया जो सूचना है उनको एकत्रित करना, और इसके नियुक्ति दरोगा ए डाक करता था, इसकी नियुक्ति जो दरोगा ए डाक द्वारा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जिले की। अब उस समय जिले नहीं कहा जाता, आजकल कहा जाता जिले, लेकिन उस समय कहा जाता था सरकार, ये याद रखने वाली बात है, जिलों को सरकार कहा जाता था। तो सरकारों का जो मुख्य बड़ा अधिकारी होता था फौजदार होता था,
ये वैसे जैसे सूबेदार के कार्य हैं वही आपने याद रखने और उसी के फौजदारी संबंधित आपने लिख देने हैं। वैसे ही पूरे के पूरे कार्य वो मालिक कहाँ, जिले का मालिक जो है वो फौजदार होता था, राज्य का मालिक कौन होता था, सूबेदार होता था। तो वही कार्य आपने यहाँ पर लिखने में ज़्यादा नहीं कहूँगा इसके बारे में। फौजदार के बाद बात करते हैं, वो आता है अमिल, और अमिल गुजार भी कहा जाता था इसको, अमिल भी वही है और अमिल गुजार भी वही है। तो जिले में राजस्व संबंधी यह अधिकारी हुआ करता था और इसका कार्य होता था अमिल खालसा भूमि में लगान एकत्रित करना, अमल गुजार को आय व्यय की रिपोर्ट रखना, दरबार में भेजना पड़ती थी और कोतवाल की अनुपस्थिति पर, अगर कोतवाल नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो न्याय संबंधी भी कर्तव्य निर्वाह किया करता था। कौन, अमिल या अमिल गुजार। तीसरा अधिकारी था खजानदार। खजानदार का कार्य समझ गए, नाम से पता लग जाता है कि खजाने की हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करना, यह हमने पढ़ा राज्य के बारे में। अब आता है परगना। अब राज्य देखिए हमारे पास, अब क्या आता है राज्य के बाद, क्या आता है जिले आते हैं, तो जिलों को परगना कहा जाता था उस समय, ये याद रखने वाली है कि जिले जो परगने होते थे। और आज की डेट में अगर पूछा जाए आपको कि जिले का बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है आज की डेट में डीसी, जिसको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। वो सैनिक संबंधी भी और सैनिक संबंधी भी सारी शक्तियाँ अपने पास रखता है और उसका कार्य क्या होता है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो अधिकारी जिसको बोलेंगे डीसी नहीं बोलेंगे, सिकदार कहा जाता था, जैसे मैंने कहा कि आज सिर्फ नाम परिवर्तन हुए हैं, काम वैसे के वैसे हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य इनके थे, अपराधियों को दंड देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना, ये सारे कार्य इनके थे। अमिल दूसरा जो अधिकारी आता था वो अमिल आता था, इसका कार्य होता है मुख्य कार्य राजस्व के संबंधित जो कार्य होता था, राजस्व एकत्रित करना, वसूलना, गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना, और उसे मुंशी के नाम से भी जाना जाता था, इसे मुंशी भी कहा जाता था। अमिल की बात कब कर रहे हैं, ये क्या हमने परगने के बारे में, परगने का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले की बात हम कर रहे हैं। तीसरा जो अधिकारी आता है वो कानून गो, आज भी कानून जो है गो है, अगर आप जाते हैं राजस्व विभाग में तो वहाँ पर दो मिलेंगे, एक कानून गो और एक पटवारी, आज भी इसी व्यवस्था के, अगर वहाँ पर अगर जाएं और उनसे उनके जो बही खाते होते हैं उनका निकालें ना, तो उनमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो मुगल काल के ही शब्द आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वही बात आ जाती है कि इस व्यवस्था को आज भी वैसे ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा चौथा नंबर पर आता है पोतदार। देखिए पोतदार का कार्य होता है कि परगने के खजांची के तौर पर जो है वो खजाना, खजाने का जो मालिक होता था, कहाँ, किस लेवल की बात करें, हम बात कर रहे हैं जिले की बात। तो उसके बाद एक क्लर्क, क्लर्क की बात है यहाँ पर हो रहा है कि एक क्लर्क भी रखा जाता था। यस, जिलों के बाद में हम पहुँच गए हैं परगने में। परगने क्या हुआ, तहसील लेवल पर, परगने हुए तहसील लेवल पर, कुछ समय से मैं यही कह रहा होगा शायद, जिला नहीं, यहाँ पर परगने जो है तहसील लेवल की बात हम जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुगल काने, और अंतिम जो व्यवस्था बताई गई है वो है गांव। तो गांव का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, और इसकी सहायता के लिए जो है पटवारी रखा था, राजस्व संबंधी विभाग उसके पास होता था। तो ये हमने पढ़ा केंद्रीय सरकार से लेकर नीचे गांव तक जो सबसे छोटी इकाई थी, मुगल शासनकाल कैसे चलता था उसके संदर्भ में हमने ये पढ़ा। अब आता ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको बड़े अच्छे से समझना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, मनसबेदारी प्रणाली। मनसब का अर्थ है दर्जा, पदवी या स्थान। एक शब्द कोई भी आप लीजिए, दर्जा क्या है, किस दर्जे का आदमी है, बोलते हैं ना किस दर्जे का आदमी है। अगर आप लेते हैं सरकारी विभाग में तो वहाँ पर दर्जा उसकी पदवी के अनुसार होता है कि क्या है भाई, वो क्लर्क है कि हेड क्लर्क है, या फिर जो है वो वहाँ पर जो है किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन में ही लेते हैं आप, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको ज़्यादा वहाँ पर समझ पाएंगे कि सभी अध्यापक हैं, लेकिन कौन सा अध्यापक है, भाषा अध्यापक है, TCET है, या फिर जो है वो प्रवक्ता है, या फिर वो हेडमास्टर है, या फिर प्रिंसिपल है, तो दर्जा उनके नाम के हिसाब पे बढ़ता जाता है। तो इसी दर्जे को कहा गया मनसब। आज दर्जा बोलते हैं लेकिन उसमें क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था, मनसब। जैसे ही अगर अभी हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने शासन व्यवस्था के बारे में, कि जो प्रांत होते थे उनको उस समय प्रांत नहीं कहा जाता था, सूबा कहा जाता था, या जो जिले होते थे उनको क्या जाता, सरकार कहा जाता था। तो शब्द अलग थे, ठीक है, समझना आपने, शब्द सिर्फ अलग थे। तो मनसब हुआ उसकी पदवी या उसका स्थान, किस स्थान पे है, कौन सी पद, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है या क्लर्क है, क्या है, तो उसे कहेंगे मनसब। क्लियर है? तो सभी को मनसब दी जाती थी। अब मनसब के, जब मनसब दी जाती थी वो अलग अलग तरह से, तो माना जाता है, अब पहले पढ़ लेते हैं कि नियुक्ति कौन करता था, पदोन्नति कौन करता था और पद मुक्ति कौन करता था, ये तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आता है नियुक्ति। देखिए नियुक्ति किस प्रकार से मिलती है, हमने पढ़े अभी अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बादशाह के बाद आता था वो आता मीर बख्शी, इसे प्रधानमंत्री भी कहते थे, ये भी सलाह देता था, इसकी जो है बहुत चलती थी, राजकुमार की, मतलब बादशाह के जो बच्चे होते राजकुमार उनकी भी चलती थी, और सूबेदार, सूबेदार जो सूबे, जो राज्य सरकार का जो बड़ा अधिकारी उसे कहा जाता था सूबेदार। तो इन तीनों की बहुत ज़्यादा चलती थी और तीनों के ही परामर्श से नियुक्तियाँ होती थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे राज्य सरकार में, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल कहीं पर भी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थे अधिकारी जो राजा को परामर्श दे रहे थे और इनकी चलती थी, ये नाम बताते थे कि ये फलाने फलाने जो है इनको, चाहे वो सॉरी नियुक्तियाँ मिल रही हैं। पदोन्नति, अब पदोन्नति के लिए अकबर ने जो है क्या रखा था, योग्यता और वीरता, कि
कि ये दो चीज़ें हैं। देखिए मनसब जब दे दी गई किसी को, चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक हो, दोनों दोनों को दोनों के लिए जो है एक ही व्यवस्था स्थापित थी, कोई अलग अलग नहीं थी। लेकिन आज भारतवर्ष में देखा जाए तो सैनिकों के लिए व्यवस्था अलग से है और सिविल में अलग से जो है पद निर्धारित किए जाते हैं, उनके अलग से निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि कार्य दोनों के डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर क्या था कि सिविल में भी और जो सैनिक हो चाहे असैनिक हो, दोनों में यही व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था स्थापित थी। तो पदोन्नति की बात करते हैं, तो पदोन्नति में क्या रखा गया था, योग्यता और वीरता। अगर आप में योग्यता और वीरता है तो आप बड़े से बड़े मनसब तक पहुंच सकते थे। सबसे छोटी मनसब होती थी 10 और सबसे बड़ी जो मनसब होती थी वो होती थी 7000 तक की। तो आप कोई भी पद ले सकते थे नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा जो है वो लगता है पीएन में लगता है, फिर क्या वो पढ़ा था 12वीं तक, तो उसको क्या कर दिया पीएन के बाद पदोन्नत हो गया, वो क्लर्क लग गया। क्लर्क से और बढ़ा, उसने अपनी थोड़ा एजुकेशन बढ़ाई, उसने पढ़ा वो, तो उसके बाद वो क्लर्क से थोड़ा हेड क्लर्क हो गया, फिर वो सुपरिटेंडेंट हो गया, फिर वो उसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट हो गया। तो इस तरह से उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ाता गया। लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, योग्यता और वीरता, पढ़ाई नहीं, योग्यता और, क्योंकि उस समय लड़ाई लड़ना ये इंपॉर्टेंट माना जाता, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और राज्य को ढंग से चलाना, ये दो कार्य होते थे। तो योग्यता दिखाना और वीरता, ये दो पैमाने थे पदोन्नति के, अगर जिसमें ये है वो छोटे से बड़े पद पर पहुंच सकता था। तीसरा है पदमुक्ति। आज भी पदमुक्त किया जाता है, कब, जब कोई ठीक कार्य ना करे या कोई गलत कार्य करे, कि गवर्नमेंट पैसा दे रहे हैं टीचर्स को पढ़ाने के लिए और क्या क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है, बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है और नशे में धुत होकर आता है, तो क्या करते हैं विभागीय कार्रवाई होती है और उसको उसको अपने पद से मुक्त कर दिया जाता है, और हो सके तो उसको निलंबित भी कर दिया जाता है, आजकल निलंबित किया जाता है और फिर पद मुक्त भी कर दिया, राजा उसको निकाल भी सकता था हमेशा के लिए, तो ये राजा के द्वारा होता था। ये पढ़ा हमने मनसबदारी प्रणाली में, ये कानून पारित किए गए, इस प्रकार से चलेगा। अब पढ़ते हैं उनके वर्ग, उसमें मुख्यतः जो तीन वर्ग थे, याद रखना वर्ग पूछा जाए कि मनसबदारों के कितने वर्ग थे, तो आपने पढ़ना मुख्यतः तीन वर्ग थे, लेकिन लेकिन बाद में वर्गों की अलग अलग, अगर अकबर के शासनकाल में देखें तो वर्ग कुछ अलग थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में अधिकतर जो है वो तीन वर्ग थे। सबसे कम जो दर्जा होता था वो 10 से और उच्चतम होता था 5000 तक का। अब देखिए 10 से लेकर 500 तक का जो जो दर्जा होता था वो मनसबदार कहलाता था, ये याद रखना। 10 से 500 तक के दर्जे को कहा जाता था मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक को कहा जाता था अमीर, और 2500 से लेकर 7000 तक को कहा जाता था अमीर ए उम्दा या उम्दा ए आजम। अब ये तो याद रह जाएंगे ना आपको, सिर्फ याद रखना है आपने कि 10 से 500 मनसबदार, 500 से 2500 अमीर, और 2500 से 7000 अमीर ए उम्दा और उम्दा ए आजम, ये तीन कैटेगरी थी। लेकिन माना जाता है कि उसके पश्चात भी एक कैटेगरी थी जो केवल राजस्व जो सॉरी शाही परिवार होते थे उनके लिए रखा गया था। शाही परिवार मतलब जैसे जो राजा के बेटे होते थे उन्हें भी मनसब दी जाती थी, क्योंकि अक्सर जो सूबों के सूबेदार बनाए जाते थे वो राजकीय घरानों से ही होते थे, तो इस प्रकार से उनकी मनसब जो है 7000 से ऊपर होती थी। तो एक आम जो आदमी होता था वो 7000 तक का मनसब जो है वो प्राप्त कर सकता था अपनी योग्यता और वीरता के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग हमने पढ़े, तो वर्ग का समझ गया ना। वर्ग अगर मैं कहूँ कि ये जी वर्ग हो गया अध्यापकों का वर्ग, ये वर्ग हो गया जी डॉक्टर का वर्ग, ये वर्ग हो गया फलाने का, तो वैसे ही ये वर्ग स्थापित हैं, नाम सिर्फ बदले हैं। और ये 10 से 500 को ये मनसबदार हुए या अमीर हुए या अमीर उम्दा हुए, फिर उसमें भी कैटेगरीज होती है कि किस प्रकार के अध्यापक है, तो वो अलग है, लेकिन मुख्यतः तीन जो है वर्ग उस समय थे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं मनसबदारों के वर्ग के पश्चात वो करते हैं जात और सवार। ये भी बहुत बार आता है रिपीट क्वेश्चन कि भाई जात क्या है और सवार क्या है। अब जात को हम क्या करते हैं, बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि जात जी जातिवादी व्यवस्था है कि चार वर्णों में विभाजित किया, ये हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सुंदर, और सवार हो गए जी घुड़सवार हो गए, तो ऐसा लिखते हैं बिल्कुल, अधिकतर बच्चे ऐसा लिखते हैं। अब इसको बिल्कुल समझ लेना है कि जात क्या है और सवार क्या है। देखिए बिल्कुल सही अक्षरों में लिखा, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद या ओहदा, कि कौन सा ओहदा है आपका, आप प्रिंसिपल है कि हेडमास्टर है कि मास्टर है कि पीएन है, तो ये हो गया आपका ओहदा, उसे कहेंगे आप जात, कि भाई मेरी जात है मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है जी, ये मेरी जात, क्लियर हो गया। तो कोई जाति से संबंधित नहीं है, यहाँ है उसका पद और पद को कहा गया क्या जात, क्लियर हो गया जी। फिर इसी जात के अनुसार उसे जो है इसी जात के अनुसार उसे क्या स्वार पद भी दिया जाता था। स्वार पद का मतलब हुआ कि उसे कुछ घुड़सवार रखना पड़ते थे, इसलिए किया गया था हर मनसबदार को घुड़सवार रखना पड़ते थे, क्योंकि ये सेना को बनाने का एक तरीका था मुगलिया शासनकाल में, कि सेना कहाँ से बनती थी, मनसबदारों के द्वारा, और यही सेना जो बाद में सम्राट की सेना भी बनती थी, सूबेदार की सेना भी बनती थी, फौजदार की सेना भी बनती थी, क्लियर है। तो ये इस व्यवस्था को कहा गया जात और स्वार, स्वार जात के साथ ही जोड़ दिया गया, क्योंकि उसकी जात के हिसाब से ही अगर वो प्रिंसिपल है तो उसके साथ जोड़ा होगा कि
अगर वो प्रिंसिपल है, उसकी जात प्रिंसिपल है, तो उसको कम से कम जो है वो 50 घोड़े रखना पड़ेंगे। घोड़े के साथ सैनिक भी होता था, केवल घोड़े रखना नहीं, घोड़े के साथ एक सैनिक भी होगा, तो 50 घोड़े हो गए, 50 सैनिक हो गए, तो उसे कहा गया स्वार। क्लियर है? तो इस प्रकार से उसके लिए उसको वेतन भी दिया जाता था, और उसके बदले में जैसे घोड़े के खाने के लिए खर्च तो लगेगा, सेना का भी, सैनिक के लिए भी खर्च लगेगा, तो इस प्रकार से वो पैसा भी उसे दिया जाता था। क्लियर हो गया? तो ये हो गया जात और स्वार। आगे बढ़ते हैं, मनसबदारों का वेतन। माना जाता है कि उस समय जो है नगद वेतन भी दिया जाना जाता था, अकबर ने शुरू किया था इसको, और जागीर के तौर पर भी दिया जाता था, कि कई बार जो है जो मनसब होती थी वो ज़्यादा बढ़ गई, जैसे औरंगजेब के शासनकाल में जो मनसबदारों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो एक समय ऐसा आ गया कि उसके पास वेतन भी नहीं था, तो जागीरें दी जाने लगी, फिर जागीरें भी बंद हो गई। तो इस प्रकार से ये अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्था जो है बनी रही। यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनकी जो व्यक्तिगत आय, जो थोड़ा नीचे चल चलते हैं, सीधे बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 5,000 जो मनसब है, कोई 5,000 वाला मनसब है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी थी कि 5,000 मनसबदार तो है, लेकिन उसको घोड़े कितने बोला रखने के लिए, घुड़सवार कितने बोला रखने के लिए, तो मान लो 30,000, 5,000 मनसबदार है, उसको 30,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन द्वितीय कैटेगरी उसमें क्या है कि 5,000 ही तो है उसकी मनसब, लेकिन उसे जो है वो कितने पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं 20,000। ये द्वितीय क्वालिटी, द्वितीय उसकी कैटेगरीज है। तो ये आज भी इसी प्रकार की व्यवस्था, अगर हम वेतन मान देखें कि है एक ही कैटेगरी में, उसे मनसब बोला जा रहा है, लेकिन उसमें भी अलग अलग जो वेतन मान जो है वो उसके वेतन अलग अलग है। तो इसी तरह से ये 5,000 में 3 अलग अलग जो है दिए गए हैं, और उसमें वेतन भी अलग होगा, और जो घुड़सवार होंगे उनकी संख्या भी अलग होगी उनके वेतन के हिसाब से। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को 30,000 वेतन उस समय मिल रहा है 5,000 को, और उसको कहा जा रहा है कि तू सबसे कम घोड़े रखेगा, जिसको वेतन कम मिल रहा है उसको घोड़े भी कम रखने होंगे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था थी जात और स्वार की व्यवस्था, और इस व्यवस्था को कहा गया मनसबदारी व्यवस्था। अब इस मनसबदारी व्यवस्था में और भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, मनसबदारों के कार्य क्या होते थे। भी मनसबदारों के कार्य होते थे, क्योंकि रखी गई थी योग्यता, योग्यता का रखी थी योग्यता या तो वीरता, तो इसका मतलब उनसे जो काम लिया जाता था वो सैनिक संबंधी भी लिया जा सकता था और असैनिक संबंधी भी लिया जा सकता था, जो इसकी सबसे बड़ी खामी थी कि एक सैनिक, एक कमांडर है, उसको अगर आप जो कानून गोह का काम दे, राजस्व विभाग दे दे, तो वो क्या करेगा। तो ये एक इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी थी कि इसमें इसमें सैनिक और असैनिक दोनों को ही एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था, जो गलत था। तो मनसबदारों के कार्य में क्या कहा गया है कि उन्हें क्या क्या करना, उन्हें विद्रोह को रोकने के लिए, नए प्रदेशों को जीतने के लिए, या साथ साथ अपने पद से संबंधित समय समय पर सौंपे गए गैर सैनिक कार्यों को भी, अप्रशासनिक कार्यों को भी करना पड़ता था, जो इसकी खामियां थी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं समझाने में थोड़ा सा हल्का सा शायद ठीक हुआ हूँ। अब पढ़ लेते हैं इसके दोष जो है कि क्या दोष थे। एक तो दोष मैंने बता दिया अभी पीछे आपको कि दोष ये था कि इसमें सैनिक और असैनिक को इकट्ठा कर दिया था, कि एक सेना का कमांडर है उसको मैं काम दे दूँ कि भाई तू जो शाही परिवार है उसकी देखभाल करेगा, उसका खाना पीना देखेगा, नौकर चाकर देखेगा, तो वो गलत हो जाएगा, उसकी निपुणता किसी दूसरे मामले में उस मामले में नहीं है। इसके अलावा भी दो और चीज़ें दी गई है, एक है फजूल खर्ची, भाई इस सिस्टम में क्या था, फजूल खर्ची और विलासिता आगे क्यों बढ़ी, क्योंकि माना जाता है कि जो मनसबदार है उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सारी संपत्ति को छीन लिया जाता था, उनके बच्चों को वो हस्तांतरित नहीं होती थी संपत्ति, तो इस कारण क्या होता था, ये अधिकतर संपत्ति का जो है वो यूज़ कर लेते थे, उड़ा देते थे, जैसे कि मस्त खाया पिया और ऐश की, तो इस कारण जो है इनमें क्या आ गई, विलासिता आ गई। दूसरा नैतिक पतन। अब नैतिक पतन कैसे हो जाता है, वो है कि ये बेईमानी करते थे, धोखेबाजी करते, ये वैसा ही है जैसे कि आजकल में बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, ये अधिकतर नौकरी पेशा में बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो है अगर नौकरी पेशा में और भी हैं, जैसे वकील हैं या दूसरे हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो टैक्स बचा देते हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, वकीलों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन वो शो करते हैं कम, और इससे क्या होता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता है। या जैसे कि बिजनेस में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है लेकिन वो दिखा रहा है कम, अपनी आय को कम दिखा रहा है, वहाँ पे भी पैसा जो है, तो ये धोखाधड़ी ठीक उसी प्रकार से मनसबदार भी करते थे कि एक मनसबदार जिसका एग्जाम्पल मैंने पीछे दिया था वो 5,000 ही है और उसको तनख्वाह मिल रही है कितनी, 30,000, और उसको कहा गया कि कम से कम तू 10,000 घोड़े भी रखेगा। अब उसने क्या किया, उसने कहा जी ठीक है मैंने 10,000 घोड़े रखा, उसके बदले में वो तनख्वाह ले रहा है पूरी, 30,000 उसको मिल रहे हैं, उसके बदले में घोड़े के लिए भी वो पैसे ले रहा है प्रति 2 रुपए के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि जब इंस्पेक्शन करने के लिए गए तो पाया गया कि वो गलत था। हुआ क्या कि उसने 500 सैनिकों को रखा गया था सिर्फ 10,000 में से, और 9,500 उसने किसी दूसरे और जगह से इकट्ठे कर दिए। एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि एक बार हम जो है इंस्पेक्शन के लिए गए प्राइवेट स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वहाँ हमने लैब भी देखनी थी, लेबॉरेटरी देखनी थी कि वहाँ पर पूरा सामान है बच्चों के लिए करने के लिए या नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो बहुत सारे स्कूलों ने क्या किया, दूसरे स्कूलों से सामान मंगवाया और अपने वहाँ पर रख दिया।
लेकिन मेरी किसी एक जो ऑर्पिट था उसके ऊपर नजर गई, मैंने देखा ये तो मैंने वहां पर भी देखा था कि किसी प्रकार इसमें जो मीट्रिक निशान लगे थे वो वैसे ही थे जैसे वहां पर था जो यूज किया गया था, और फिर मुझे जो है थोड़ा सा लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है जो मनसबेदार होते थे वो क्या करते थे कि और मनसबेदार के घोड़ों को ले आते थे, खड़ा कर देते थे कि ये हमारे घोड़े हैं, तो इस प्रकार से वो उन घोड़ों के दिखाने के बाद जो है उसे पैसा उनका मिल जाता था। तो अधिक जो पैसा मिलता था वो उनकी वजह से उनका क्या हो गया, नैतिक पतन हो गया। तो ये इसके दोष थे। तो इतना ही मैं आपको आज जो है बताना चाहता था, पता नहीं कहाँ तक मैं सक्षम हो पाया, आपको समझा पाया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अवश्य आपको समझ गए होंगे। देखिए एक क्लास में जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो एक बच्चा जो है वो 100% नंबर भी ले लेता, 99 भी लेता, 98 भी ले लेता है, और एक बच्चा जो 28 मार्क्स भी नहीं ले पाता है। तो वजह कहाँ दिक्कत आती है, दिक्कत ये जाती है कि हम कितना ध्यान से अपने टीचर को सुन पाए। तो यहाँ मैं बार बार यही कहता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे लाइक करो, मुझे दबाओ आप जो लाइक करना, मैं इतना बोलता हूँ कि कम से कम ध्यान से सुनो ताकि मेरा जो मकसद आपको पढ़ाना है, जो समझाना है, वो सफल हो जाए। और अंतिम में मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आपको सबसे पहले एक इंसान बना पाऊँ। तो उसके लिए दो लाइन मैंने फिर से आज आपके लिए लेकर आया हूं, और यह है कि कोशिश करते करते कामयाब हो जाऊंगा, कोशिश करते करते कामयाब हो जाऊंगा, एक दिन नालायक से नायाब हो जाऊंगा, एक दिन नालायक से नायाब हो जाऊंगा।